जीके सैन टी वी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हमारे पास में फ्री टू एयर का सेटअप बॉक्स है। इसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें नो सिग्नल की प्रॉब्लम है। पहले आपको समस्या को समझना, फिर उसके ऊपर काम करना और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल पाएगी, ताकि आपको एक कुशल टेक्नीशियन बन पाओगे। इस बात का ध्यान रखें, इसके अंदर नो सिग्नल की प्रॉब्लम है। इसको एक बार मैं वोल्टेज सब चेकआउट कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर फाइनल फैसला करेंगे कि आखिर में है क्या। इसकी ये अलग अलग वोल्टेज इस बोर्ड को दी जाती हैं। पहले आपको वोल्टेज को टेस्ट कर लेना है, कितने क्या क्या वोल्टेज है वो सब आपको पता ही है। 3.3 वापस आपको ये 5 वोल्ट की सप्लाई देख लेना, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, यह सभी सप्लाई आपको प्रॉपरली मिलनी चाहिए। अगर ये कंप्लीट आ रही है, ऐसे डिस्प्ले आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी एक मान लो 22 वोल्ट जो या 24 वोल्ट निकलते हैं इसके अंदर, कहीं 22 निकलते कहीं 24 निकलते हैं, आपको ये अलग अलग वोल्टेज देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी सप्लाई कंप्लीट है, इसका कार्ड का ही प्रॉब्लम है। इसके अंदर कार्ड का ही एक सिग्नल आईसी की प्रॉब्लम बनी हुई है। या तो आप आईसी डालो या फिर आपको पूरा बोर्ड डालना पड़ेगा। ये दो फैसले हैं। अगर आपके पास ऑर्गन है तो आईसी भी डाल सकते हो। अगर आप कुशल टेक्नीशियन हैं तो आपको आईसी डालना, नहीं तो वरना आप उसको सेड़े भी नहीं, आप नया कार्ड डाल दे। तो आज मैं पूरा ही नया कार्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑर्गन ख़राब है और अगले आदमी को जो कस्टमर है उनको एक नया कार्ड डाल के ही देना है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब इस कार्ड को मैं रिपेयर कर दूँगा ताकि मैं और किसी बाइक को ये कार्ड डाल सकता हूँ। ये रिपेयर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इस कार्ड को खोल के निकाल देता हूँ, फिर इसकी जगह दूसरा कार्ड लगाएंगे। आराम से खोल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कि ज़्यादा टाइम लगा रहने के कारण से या पीछे की जो चाकी होती है वो ज़्यादा टाइट होने के कारण से पकड़ का सहारा लेना पड़ेगा आपको। पीछे से खोल देना, एक स्क्रू लगा हुआ है, ये ऑडियो वीडियो आउट निकलती है वहाँ पे, तो आपको ये खोल के निकल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त हमेशा ध्यान रखें, साथ में कुछ छोटी छोटी गलतियों का भी आप ध्यान रखें कि इसके अंदर क्या क्या समस्या आती है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप काम कर पाओगे। ये पीछे जो ये इसके अंदर एक ऑडियो बोर्ड लगा हुआ, इसकी ये वायरिंग है, दो लेफ्ट राइट इसके दो चैनल हैं जो ऑडियो ये बोर्ड से लिए हुए हैं। मेरे पास में नया कार्ड है, ये गारंटी पीरियड के अंदर आता है। मेरे पास में जो एसके का कार्ड है ये गारंटी पीरियड के अंदर मैं लाया हूँ। बाई चांस इसके अंदर को ख़राबी निकल जाए तो मैं इसको रिप्लेस करके दूसरा ले आ सकता हूँ। हमारे यहाँ पे सुविधा है, आपके वहाँ है या नहीं है, ऑनलाइन से नहीं खरीदे, जहाँ तक हो तो किसी टेक्नीशियन ये दुकान से ही खरीदे, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें आप। ये अंदर जो सेटअप बॉक्स के अंदर जो ऑडियो बोर्ड है उसके कनेक्शन है, एक लेफ्ट एक राइट दो कनेक्शन है, एक ग्राउंड किया हुआ है। तो इसके अंदर जो ऑडियो आउटपुट है उस विभाग से ये रिलेटिव है। आप उसको ऑडियो बोर्ड को ये ऑडियो इन करोगे तो आपको ये स्पीकर के अंदर सुनाई देगा। अगर आपको कोई टीवी के अंदर प्रॉब्लम है या आपको एक्स्ट्रा कोई स्पीकर लगाना है तो उसके लिए आप लगा सकते हो। मेरा ये नया कार्ड है, उसके पहले कनेक्शन कर लेता हूँ ऑडियो, दोनों लेफ्ट और राइट और एक ग्राउंड के, तीन कनेक्शन करने हैं आपको। इसके लेफ्ट और राइट पीछे की साइड जो निकलते हैं उसी का ही लेके आपको यहाँ सेम टू सेम कनेक्शन करने हैं। पीछे के भाग में आपको दिखेगा कनेक्शन, आपको इसको कार के ऊपर से नए कनेक्शन लगा देने हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे के भाग में आपको कनेक्शन मिल जाएंगे। वहाँ से जो ऑडियो आउट होता है बोर्ड से, वहाँ से आपको इन जो अंदर एम्पलीफायर का
के लिए जो बोर्ड लगा हुआ है उसको देना है आपको। इसके अंदर दूसरा कोई कनेक्शन निकला हुआ नहीं है ना अलग से, इसमें आरएफ भी इसके अंदर ही है। आजकल आरएफ कोई काम में नहीं रहता है, पहले स्टार्टिंग में आरएफ बहुत चलते थे क्योंकि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी अभी काफ़ी थी। अभी तो जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो वैसे वैसे चेंजिंग आएंगे। आपको MPEG 4K के अभी सेट बॉक्स आ गए हैं, काफ़ी गाँवों के अंदर भी है, फिर विदाउट डिस्क के भी आने लग गए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो इन नई टेक्नोलॉजी को भी आपको समझना होगा ताकि आपका जो व्यवसाय है उसको गति मिलती रहे। इस बात का ध्यान रखें आप, क्यों इसके अंदर हर 10 साल के अंदर अलग कोई ना कोई दूसरा फंडा आ जाता है, तो इस बारे में भी हमेशा जग पूरा कंप्लीट तैयार रहें आप। इसको सही से फिटिंग कर लेना है आपको और दो चाकी लगा देना, एक एलम भी इन है एक एलम भी आउट है। आउट का मतलब आप दूसरा कोई भी सेट एक्स्ट्रा इसके साथ में लगा देते हो तो वो भी और चलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इसमें प्रॉब्लम होता है। आप जिस भाग का ये सेटअप बॉक्स चलेगा उसी भाग का आपका दूसरा सेटअप बॉक्स भी चलेगा, यानी ओरिजिनल में आप चैनल चला रहे हो तो आपका दूसरा सेटअप बॉक्स है वो भी ओरिजिनल के अंदर ही चलेगा, वर्टिकल सेक्शन में जाओगे तो आपका ये सेटअप बॉक्स काम नहीं करेगा। एक ये समस्या होती है इसमें, ये आप जैसे पहले बहुत सारे डिक्से लगाते थे वहाँ पर भी ये समस्या होती थी। आपको ये आगे का डिस्प्ले का बोर्ड ये कनेक्शन कर लेना और साथ में पावर सप्लाई, ये जो आगे डिस्प्ले का जो कनेक्शन है वो एक उल्टा लगता है एक सीधा लगता है, ये उल्टा भाग है इस बारे में ध्यान रखें, नहीं तो आगे का डिस्प्ले शो नहीं करेगा आपका, जो उल्टी सप्लाई जाएगी डिस्प्ले शो नहीं करेगा। साथ में इसके स्क्रू लगा दें ताकि बोर्ड बिल्कुल ही ढीला नहीं रहे, और बोर्ड के नीचे अगर बॉडी टच हो रही है तो वहाँ पे कोई कागज़ या आपका कोई भी लगा सकते हो ताकि बॉडी भी टचिंग नहीं रहे। मैंने कागज़ लगाया इसके लिए ताकि बाद में ये टच होए नहीं। हमारा सेटअप बॉक्स चालू है अभी, एक बार सप्लाई देख के इसको चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। सेटअप बॉक्स चालू हो गया है, आगे डिस्प्ले शो नहीं किया, ये डिस्प्ले आ गया है, ये हमारा सेटअप बॉक्स कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया हमारा सेटअप बॉक्स, एक बार ये वीडियो की पिन है और साथ में एक ऑडियो की पिन लगा देना और एक कैलम भी आउट जाती है वहाँ पे डिस्क की पिन लगाना है आपको। ये ऑडियो आउट है, दो पिन है लेफ्ट और राइट, ये दो ऑडियो की है, एक वीडियो की, एक आरएफ की है। साथ में ये एलम भी आउट है जो छतरी के ऊपर का लगा कैमरा उसके ऊपर जा रहा है। हमारा सेट चालू है अभी, एक बार चेक कर लेते हैं इसकी, हमारा सेट चालू हो गया है। आगे पिक्चर दिख रही है लेकिन आवाज़ नहीं आई है, इसका क्या रीज़न है एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो मेरा ये टीवी का पिन बाहर पड़ा है, सिर्फ वीडियो का पिन ही लगा हुआ है, इसके लिए आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार उसको लगा देता हूँ। हमारा सेट कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक सिर्फ साउंड का था वो भी एक कंप्लीट है। आजकल सिंगल IC के बहुत सारे किट आ गए बाजार के अंदर, हमारा सेट चालू है, आप इसकी आवाज सुन पा रहे हो। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहें उसके लिए खूब खूब धन्यवाद और आभार।